सी के कादर और जलाली नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मैं सजाद गिल और मैं अंबर जमशेद आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप देख रहे हैं गॉड गिफ्ट टीवी। नाज़रीन, गॉड गिफ्ट टीवी पे आज का हमारा प्रोग्राम है हमदोसना, और हमदोसना प्रोग्राम में खुदामंद की हमद करने के लिए आज हमने जिनको इनवाइट किया है उनसे मिलवाने से पहले आप सबसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो नाज़रीन, जिन लोगों ने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किया उन लोगों का शुक्रिया, लेकिन जिन लोगों ने नहीं किया उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि वो भी सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके और आप इससे बरकत हासिल कर सकें। नाज़रीन, जिन लोगों ने हमें ज्वाइन किया उन सबका शुक्रिया। उनमें से सबसे पहले हैं अरसलान गिल साहब, ये पिछले हमारे एपिसोड में गेस्ट भी थे और इन्होंने बहुत अच्छी वर्शिप की, खुदावंद इनको बरकत दे। ये हमें कमेंट करके बोल रहे हैं प्रेज द लॉर्ड, खुदावंद आप सबको बरकत दे। अरसलान गिल साहब आपका शुक्रिया, आपने हमें याद किया। और इसके बाद है सहर दानी, ये हमें कमेंट करके बोल रही हैं गॉड ब्लेस यू अगेन, आप सबको खुदावंद बरकत दे। सहर दानी का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद है इश्तियाक इजहाक, ये भी हमें कह रहे हैं वेरी गुड गिल साहब, बहुत अच्छे। इश्तियाक साहब आपका शुक्रिया, आपने हमें याद किया। इसके बाद है जमशेर डिकन, ये भी हमें मैसेज करते हैं और बोल रहे हैं कि गॉड ब्लेस यू ऑल। जमशेद भाई आपका शुक्रिया, आपने हमें याद किया। इसके बाद है मोहसिन मसीह, ये भी हमें मैसेज करते हैं और बोल रहे हैं गॉड ब्लेस यू ऑल टाइम। मोहसिन साहब आपका शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। इसके बाद है NBBS, ये न्यू ब्राइट स्टार स्कूल है और ये हमें मैसेज कर रहे हैं और ये हमें बोल रहे हैं कि खुदावंद आप सबको बरकत दे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान इंदाबाद। इसके बाद हैं बिल्ला भाई, ये भी हमें कमेंट करके बोल रहे हैं कि गॉड ब्लेस यू ऑल। इसके बाद है ग्लोरी टीवी, ये भी हमें मैसेज करते हैं और बोल रहे हैं सर प्रोग्राम आपका बहुत अच्छा जा रहा है, खुदावंद आप सबको बरकत दे। इसके बाद है रऊफ इजाज, ये भी हमें कमेंट करके बोल रहे हैं कि खुदावंद आपको अपने जलाल के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करे, आमीन। रऊफ साहब आपका भी शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। आप सबसे भी दरख्वास्त है कि इसी तरह आप भी हमें मैसेज किया करें, कमेंट करके बताया करें कि आप लोगों को प्रोग्राम कैसा लगा और जो हमारे गेस्ट आते हैं आप उनसे कितनी बरकत हासिल करते हैं और प्रोग्राम के वसीले से कितनी बरकत हासिल करते हैं। खुदावंद आपको भी इसी तरह अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। चलते हैं हम मजीद अपने प्रोग्राम की तरफ। तो नाज़रीन, चलते हैं हम अपने प्रोग्राम की तरफ और मिलवाते हैं आज के गेस्ट को। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम वर्शिपर बाबर खोकर। हेलो सर, कैसे हैं आप? खुदावन का शुक्र, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? शुक्रगुजारी खुदावन की। थैंक यू सर कि आप हमारे इस गॉड गिफ्ट टीवी पे आए। जी बाबर भाई, आपसे हमारा पहला सवाल ये है कि सर आप कितनी देर से खिदमत कर रहे हैं? जी खुदावन के फजल से 18 नवंबर 2011 को, उससे पहले मैं खुदा की हमद करता था। जब 2011 में मेरी ज़िंदगी में एक हादसा आ गया कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था, बहुत मेजर एक्सीडेंट था, मेरे ऊपर से गाड़ी गुजर गई थी, तो खुदावन के फजल से खुदावन ने मुझे नई ज़िंदगी बख्शी और अब मैं उस वक्त से लेकर अब तक मुकम्मल तौर पर खुदावन की हमद सुना करता हूँ। ज़बरदस्त सर, इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है आपसे कि आप जब खिदमत करते हैं और आपकी खिदमत के दौरान कभी मुश्किलात आईं? जी सजाद भाई, बहुत सारी मुश्किलें आई हैं। एक दफ़ा का जिक्र है कि सियालकोट में मुझे बुलाया गया और वहाँ पे उन्होंने, जब मैं वापस आने लगा तो मुझे उन्होंने वापस आने का किराया भी नहीं दिया था, तो मैं काफ़ी परेशान था, मगर खुदावन ने मुहैया किया कि मैं वापस अपने घर पहुँच गया था। सर, आपकी प्रस्तुति के दौरान कभी शैतानी कुव्वत ने हमला किया हो? जी पिछले दिनों का वाकया है कि मैं टेक्सला में था और एक जवान बेटी, उसके अंदर अबलीसी तस्वीरों ने काम किया, तो वो करते करते स्टेज तक पहुंच गई थी, तो बस मैंने बड़े जोश खरोश के साथ खुदाबंद की हमदोसना कर रहा था और वो बेटी आज़ाद हो गई थी। ज़बरदस्त, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, खुदावंद आपको बरकत दे। सर हमने सुना है कि आप काफ़ी अर्सा पहले, मैंने भी आपको सुना था गाते हुए भी, कि आप पास्टर फ्रांसिस फ्रोज साहब के
गीत गाया करते थे और आपका स्टाइल भी सेम होता था, अभी भी आपका स्टाइल सेम है, तकरीबन काफ़ी मिलता जुलता है और आपका अंदाज भी सेम होता था और उनकी आप जब गीत गाते थे लोगों ने आपको बहुत अप्रिशिएट भी किया और करते भी थे, तो अभी भी आप क्या उनके गीत गाते हैं या आप क्या कहना चाहेंगे इस बात के बारे में? आप मैं आपको बता दूं कि मेरी जो नेचुरली जो मेरी आवाज़ थी जी, उनके साथ काफ़ी अटैच होती थी और उनके मैं गाए हुए गीत भी गाता था, मगर अब जो है वो मैं जो भी गीत गाता हूँ वो मेरी अपनी कंपोजिशन है, शायरी मेरे दोस्त करते हैं और वो ही गीत मैं गाता हूँ, अब उनके गाए हुए गीत मैं नहीं गाता। सर आप मुझे बताएं कि आपके फेवरेट वर्शिपर कौन है? फेवरेट तो सारे हैं, सारे खुदावंद की हमदो सना कर रहे हैं, मगर जब हम अर्नेस्ट माल साहब की जिंदगी को देखते हैं तो हमने उनको देख के ये नमूना लिया और हम सब मिलके खुदा की हमदो सना करते हैं। और आप मसीह यसु को कबूल करने से पहले की आपकी जिंदगी कैसी थी? जी खुदावंद के फजल से उससे पहले भी मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी थी कि खुदावंद ने मुझे नशे जैसी लानत से बचाया हुआ था, सारी बुराइयों से बचाया हुआ था। तो जब मैंने परस्ती शुरू की तो मेरी छोटी बहनें दो खुदा की खादम हैं, उन्होंने मुझे पुश किया कि बाबर भाई आप हारमोनियम सीखें और खुदावंद की हमदो सना करें। और जब आपने मसीह यीशु को कबूल कर लिया तो ज़िंदगी में चेंज क्या आया? जिस ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज आया कि जब मैं दुनिया से अलग हो गया, खुदावंद ने मुझे अपने काम के लिए इस्तेमाल किया और लोगों से मुझे बहुत ज़्यादा मोहब्बत मिली। तो बाबर भाई आप हमारे व्यूवर्स को कोई पैगाम देना चाहेंगे? जी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ गॉड गिफ्ट टीवी का, सजाद भाई आपका, बेटी का, सारी टीम का कि आपने खुदा का खादम होते हुए मुझे इस जगह पे उतारा, मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। जी थैंक यू, और आपका भी वेलकम, आप लोग आए शुक्रिया। जी बाबर भाई आज हमें क्या सुनाने जा रहे हैं? जी मेरा जो फर्स्ट गीत रिकॉर्ड हुआ था पिछले साल हुआ है, तो उसके शायरी इस तरह थी, यस्सु कर दे तू मेरिया मुरादा पूरिया, गल्लां करां तेरे नाल दिल दियां गूड़ियां। हालेलुया। अपनी हजूरी लखनासरी तेरे बाजू में लखनासरी अपनी हजूरी बिच लखनासरी। तेरे जही
दरख्वास्त है कमेंट करके बताएं कि आपको प्रोग्राम कैसा लगा और नए आने वाले व्यूवर्स को वेलकम। जी बाबर भाई, थैंक यू सो मच आपका कि आप यहाँ पर आए, अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और आपने बहुत अच्छी वर्शिप की। खुदावंद आपको बरकत दे। और इसके बाद हैं राशिद भाई, सर आपने भी बहुत अच्छा तबला प्ले किया, आपका भी शुक्रिया। आइज़क भाई, आपने बहुत अच्छी ढोलक प्ले की है, सर थैंक यू सो मच। इसी तरह खुदावंद आप सबको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे और आप दुनिया के कोने कोने में जाकर खुदावंद की वर्शिप करते रहें। सो थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, आपका भी शुक्रिया, आप लोगों ने हमें बर्दाश्त किया। और प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले आप सबसे दरख्वास्त है कि कमेंट करके हमें बताएं कि आप लोगों को प्रोग्राम कैसा लगा और आप लोगों ने बरकत कितनी हासिल की है। और जो न्यू व्यूवर्स हैं उनसे भी दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। चलते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज़।